ये समझने के लिए कि मैक्सिको में इतनी सारी अमेरिकन गन्स स्मगल क्यों की जाती हैं, आपको पहले ये समझना होगा कि यहाँ पर एक दर्जन से भी ज्यादा ड्रग कार्टेल्स हैं, और उनमें मुकाबला रहता है कि दुनिया के सबसे बड़े अवैध ड्रग्स के कंज्यूमर यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज्यादा ड्रग्स कौन भेजेगा। 2006 में मैक्सिको की सरकार ने इस सप्लाई को रोकने का और ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ने का फैसला किया, पर वो दांव उल्टा पड़ गया और उससे हिंसा का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो 14 साल बाद और भी ज्यादा घातक हो चुका है। आर्मी और लोकल कंपटीशन से मुकाबला करने के लिए कार्टेल्स को हथियार चाहिए, और वो उसके लिए दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार रखने वाले और हथियारों से जुड़े सबसे कमजोर कानूनों वाले देश की तरफ देखते हैं। लॉस एंजलिस से 1300 किलोमीटर साउथ में है मैक्सिको की ड्रग कैपिटल सिनालोआ। सिनालोआ कार्टेल ने आज तक के सबसे बदनाम मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड एल चापो गुजमान को पैदा किया। मैं काम के सिलसिले में 5वीं बार कुलियाकान आई हूँ, पर इस तरह से पहले कभी नहीं। हम यहाँ कल देर रात पहुँचे और आज हमने अपने कैमरास निकाले ही थे कि तभी हमें एक कॉल आई कि पास में ही शूटिंग हुई है। हाँ, इससे पता चलता है कि हम यहाँ कितने हिंसक माहौल में रहते हैं। कुलियाकान अब एक वॉर जोन में बदलता जा रहा है। मिगेल आहिल वेगा एक लोकल जर्नलिस्ट है और एक पुराने दोस्त है। मैं जब भी सिनालोआ आती हूँ हम साथ में काम करते हैं। इन्होंने मुझे बताया है कि हाल में शहर में हिंसा की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं और कोई नहीं जानता कि क्यों। कुछ कहते हैं कि बाहर के कार्टेल्स सिनालोआ में अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रही हैं। कुछ का मानना है कि अलचापो की गिरफ्तारी के बाद सिनालोआ कार्टेल अंदर से टूट गया है और अलग अलग गुट उस पर कंट्रोल के लिए अलचापो के बेटों से लड़ रहे हैं। वजह जो भी हो, मेरे यहाँ आने से पहले पिछले महीने 82 लोगों की हत्या हुई थी, यानी हर 10 घंटे में एक हत्या। ओ, हम पहुंच गए। हाँ, यहीं पर है। हेलो ऑफिसर, कैसा हैं? हेलो, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ये वारदात कब हुई यहाँ पे? कुछ ही वक्त पहले हुई है। आप लोग जरा पीछे हो जाइए, हमें शक है कि यहाँ पर मर्डर हुआ है। ओ, अच्छा, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि वो अभी लाश को उठा रहे हैं और इनके मुताबिक ये एक मर्डर है। अंदर एक आदमी था जिस पर गोलियाँ चलाई गई है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तो आपको कुछ नहीं पता? मैंने और जानने की कोशिश की, पर कोई बात नहीं करना चाहता। मैक्सिको में कानून से बच निकलना आम बात है। इस तरह से 95% हत्याओं की गुत्थी कभी नहीं सुलझती। ये बात करने से डरते हैं। अगर किसी ने देखा भी होगा तो कोई नहीं बताएगा इस बारे में, क्योंकि अगर ये टीवी पर आते हैं, प्रेस में बताते हैं कि उन्होंने क्या देखा, तो ये मुसीबत में पड़ जाएंगे। इनकी जान भी जा सकती है, तो जाहिर है कोई बात नहीं करेगा। बेशक इन्हें जानकारी है, बस ये हमें नहीं बताएंगे। शायद मिगेल के कॉन्टैक्ट्स ज्यादा हिम्मत वाले हैं। बताया जा रहा है कि विक्टिम मैक्सिकन अंडरवर्ल्ड का हिस्सा था, हालांकि ये साफ नहीं है कि वो किस कार्टेल से था। वो हाल ही में टिहुआना से सिनालोआ आया था, और आज लगभग दोपहर के वक्त दो हथियारों ने उस बिल्डिंग सप्लाईज स्टोर तक उसका पीछा किया और उसे बहुत पास से 4 गोलियां मार दी। हमें अभी नहीं पता कि कौन सा हथियार इस्तेमाल हुआ था, लेकिन ज्यादातर वारदातों में या तो AR-15 या AK-47 यूज होती हैं। ये असॉल्ट वेपन्स हैं और ज्यादातर मामलों में सभी जानते हैं कि ये हथियार यूनाइटेड स्टेट्स से आते हैं। हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया है, उन्होंने हमें अपने इलाके में आने की इजाजत दे दी है। मैं तुम्हें शहर का नाम नहीं बता सकता, ना ही इस इलाके का नाम, लेकिन फिलहाल मैं इतना कह सकता हूँ कि हम कुलियाकान के साउथ में हैं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मेरे लिए सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि अमेरिकन गन्स मैक्सिको में आ रही हैं। मैं उन्हें इस्तेमाल करने वालों से मिलना चाहती हूँ, वो जो ट्रिगर दबाते हैं, जैसा कल वाली वारदात में हुआ। जब मैक्सिको में नार्को ट्रैफिकिंग की बात आती है, ये सबसे खतरनाक जगह है। ओके, तो हमसे कहा गया है कि यहाँ कार को रोक दें और आगे पैदल जाना है।
हाय, कैसे हैं आप? इन लोगों को सिकारियोस कहते हैं, वो सुपारी किलर्स जिन्हें सिनालोआ कार्टेल अपने माल को बचाने और दुश्मनों को मारने के लिए हायर करता है। ये मैरियाना वैन ज़ेलर है। हेलो, कैसे हैं? बढ़िया। जर्नलिस्ट है और ये एक डॉक्यूमेंट्री बना रही है नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के लिए। आपको याद है आपने पहली बार जब किसी को मारा था? हाँ, कैसे भूल सकता हूँ। कोई भी नहीं भूलता है, खासतौर पे पहला वाला। मुझे पता था वो कहाँ रहता है, तो मैं गया और उसका दरवाजा खटखटाया। मैंने कहा, तुम्हें पता है मैं क्यों आया हूँ? और मैंने अपनी गन निकाल के उस पर तान दी। मुझे याद है उसने अपना चेहरा ढकने की कोशिश की थी। वो चिल्लाया नहीं नहीं, और फिर वो दोबारा चिल्लाया नहीं। मैंने उसके चेहरे पर दो गोलियां मारी। वो करने के बाद अजीब सा मजा आता है और वो फिर से करने का मन करता है। मुझे एहसास हुआ है कि भले ही कार्टेल को अरबों का मुनाफा ड्रग्स की तस्करी से होता है, पर उनकी असली ताकत हमेशा हिंसा ही होगी। ये AR-15 है, फुल्ली ऑटोमेटिक। ये वाली 5.7 है, इसको कॉप किलर कहते हैं क्योंकि ये बुलेट प्रूफ जैकेट को भी भेद देती है। सच में? तो ये 5.7 है? हाँ, वही 20 शॉट्स। ये भी ऑटोमेटिक है। तो आपने इससे लोगों की जान ली है?